हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अंशुराज गुप्ता एंड वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का वन शॉट देखेंगे, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए। रिप्रोडक्शन जो है ना, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, बट कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जिसमें नहीं होता है। और होता किस में नहीं है? म्यूल में नहीं होता है, हिनी में नहीं होता है, ट्रांसजेंडर में नहीं होता है, ये सब में नहीं होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो हो रहा है और नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। लिविंग में रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो इसको जो है ना, इसको डिफाइनिंग फ्यूचर नहीं बोलेंगे, नॉट अ डिफाइनिंग फ्यूचर, ये डिफाइनिंग फ्यूचर नहीं है। डिफाइनिंग फ्यूचर का मतलब है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना चाहिए और नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो नॉन लिविंग में प्रेजेंट नहीं था, एक क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है, सारे में नहीं है। तो इसको जो है ना, डिफाइनिंग फ्यूचर नहीं बोलेंगे। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी रिप्रोडक्शन को किस चैप्टर में पढ़ रहे हैं हम लोग? बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन, जिसमें जो है ना, ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, यंग वन को जो है रिप्रोड्यूस कर रहा है। अब यंग वन को रिप्रोड्यूस कर रहा है तो अपने ही जैसा, सिमिलर टू इटसेल्फ, ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, सिमिलर टू इटसेल्फ। जैसे कौ अगर बर्थ दिया तो कौ को ही बर्थ देगा, अगर मंकी अगर बर्थ दे रहा है तो मंकी को ही बर्थ देगा। सिमिलर कहने का मतलब यही है। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन विच इज सिमिलर टू इटसेल्फ, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है ना, यंग वन को बर्थ दे रहा है और अपने ही जैसा ह्यूमन बर्थ दे रहा है, ह्यूमन को कौ बर्थ दे रहा है, कौ को मंकी बर्थ दे रहा है, मंकी को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ अ स्पेसीज, ये जो है ना काफी इसेंशियल है। किस लिए? सर्वाइव करने के लिए और लाइफ को जो है ना मेंटेन करने के लिए, लाइफ मेंटेन करने के लिए भी और सर्वाइव करने के लिए भी जो है ना, ये काफी ज्यादा इसेंशियल है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो जनरेशन जो है ना इंक्रीज नहीं करेगा, पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं करेगा, ये सब नहीं होगा, तो काफी ज्यादा इसेंशियल है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इन्वॉल्व ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन के थ्रू ही जो है ना कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है। रिप्रोडक्शन के थ्रू ही जो है ना पेरेंट से प्रोजेनी में कैरेक्टर का ट्रांसफर होता है। कैरेक्टर का ट्रांसमिशन कहां से होता है? एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में, या फिर ये भी बोल सकते हैं फ्रॉम पेरेंट से प्रोजेनी। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है लाइफ स्पैन द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, नेचुरल। एक पीरियड जो बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक, यानी प्राकृतिक डेथ तक जो पीरियड है, उसी को लाइफ स्पैन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन बोलते हैं। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। आर्टिफिशियल डेथ अगर होता है तो उसको काउंट नहीं किया जाता है, नेचुरली डेथ होना चाहिए, तब जो है ना उसको लाइफ स्पैन में काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है पीपल ट्री का जो लाइफ स्पैन होता है ना, वो 2000 से 2500 साल तक होता है, और मे फ्लाई का देखा जाए तो एक दिन। और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पैरोट का लाइफ स्पैन होता है 140 ईयर, क्रो का लाइफ स्पैन है 15 ईयर,
और भी है, जैसे वीट, वीट का लाइफ स्पैन जो है ना होता है 5 मंथ, 5 मंथ। एलिफेंट का लाइफ स्पैन, एलिफेंट इसका लाइफ स्पैन अप्रोक्स 65 to 90 ईयर होता है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, इसको क्या बोलेंगे, लाइफ स्पैन बोलते हैं। नेचुरल डेथ होना चाहिए, आर्टिफिशियल डेथ नहीं होना चाहिए। आर्टिफिशियल डेथ कहने का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल डेथ कहने का मतलब है जैसे एक्सीडेंट हो जाता है, उसको जो है ना लाइफ स्पैन में काउंट नहीं किया जाता है, उसको लाइफ स्पैन में काउंट नहीं किया जाता है। इट इज नॉट कोरिलेटेड विद साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ये साइज पे डिपेंड नहीं करता। पैरोट और क्रो दोनों का साइज करीब सिमिलर है, दोनों का साइज सिमिलर है। अगर सपोज लाइफ स्पैन जो है अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर रहता साइज से, तो इसका मतलब क्या होता, जो बड़ा होता, जो है ना साइज में बड़ा होता उसका लाइफ स्पैन ज्यादा होना चाहिए। अब नेक्स्ट सिचुएशन, लाइफ स्पैन अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल अगर होता है, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज से, इसका मतलब क्या, जितना बड़ा साइज उतना लाइफ स्पैन कम होना चाहिए, ऐसा होता। अब यहाँ पे ये दोनों अप्रोक्स सिमिलर है तो लाइफ स्पैन दोनों का सिमिलर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। पैरोट का लाइफ स्पैन है 140 ईयर और क्रो का है 15 ईयर, यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये तो ना तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये साइज पे डिपेंड करेगा ही नहीं। ह्यूमन का होता है यहाँ पे लाइफ स्पैन 100 to 120 ईयर, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बेसिक फ्यूचर ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का बेसिक फ्यूचर क्या है, सबसे पहले यहाँ पे होगा डीएनए का रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के बाद होगा सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के बाद होगा सेल प्रोटोप्लाज्म का ग्रोथ, उसके बाद जो है ना रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनेगा। रिप्रोडक्टिव यूनिट्स कहने का मतलब है गैमीट्स, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, ये सब का जो है ना फॉर्मेशन होगा। उसके बाद जो है ना न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा, उसके बाद क्या होगा, न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होगा। यही है बेसिक फ्यूचर ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है ना दो प्रकार का होता है, एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक क्या हो गया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों जो है ना एक दूसरे से अपोजिट है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं हो रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफी ज्यादा मात्रा में प्रोजेनी बन रहा है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काफी कम बनेगा, यानी जस्ट एक दूसरे से अपोजिट है। ये दोनों जो है ना एक दूसरे से अपोजिट है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है ना यूनि नहीं बल्कि बाईपेरेंटल होता है, यानी दो पेरेंट इन्वॉल्व, दो पेरेंट इन्वॉल्व। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है ना दो पेरेंट इन्वॉल्व होगा और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है ना सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है इसको क्या बोलेंगे, यूनिपेरेंटल, और अगर दो पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, बाईपेरेंटल। गैमीट में और मे नॉट फॉर्म, ये जो है ना ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स है, गैमीट में और मे नॉट फॉर्म। इसका मतलब क्या है, गैमीट बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट जो है ना कंफर्म है कि बनेगा, गैमीट बनेगा ही बनेगा। गैमीट जैसे गैमीट मे बी फॉर्म, अगर गैमीट बन रहा है इसमें, ये एग्जांपल है पार्थिनोजिनेसिस का, पार्थिनोजिनेसिस, पार्थिनोजिनेसिस में जो है ना गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और ये जो है ना ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है पार्थिनोजिनेसिस। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है गैमीट में और में नॉट बी फॉर्म। काफी में जो है ना, काफी ज्यादा में जो है ना अप्रोक्स 90 to 95% बोल सकते हैं कि गैमीट का फॉर्मेशन जो है ना नहीं होता, लेकिन अप्रोक्स 5 to 10% हम ये भी बोल सकते हैं कि गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। थर्ड यहाँ पे गैमीट, गैमेटिक फ्यूजन नेवर अकर। गैमेटिक फ्यूजन जो है ना इसका मतलब है फर्टिलाइजेशन, इसको सिनगैमी भी बोलते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो है ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है।
अब इसका अपोजिट क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब इसमें नहीं हो रहा है, असेक्सुअल में नहीं हो रहा है, तो सेक्सुअल में क्या होगा, होगा ही होगा। तो सेक्सुअल में जो है ना गैमेटिक फ्यूजन जो है ना होगा, गैमेटिक फ्यूजन होगा ही होगा। सिंपल एंड फास्टर प्रोसेस, ये जो है ना असेक्सुअल जो है काफी सिंपल है और फास्टर प्रोसेस है। अब ये सिंपल है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, और फास्टर है इसका मतलब जो है ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, स्लोवर होगा। नो मियोसिस, नो वेरिएशन, नो रोल इन इवोल्यूशन। असेक्सुअल में जो है ना मियोसिस नहीं होता है, कोई भी वेरिएशन नहीं होता है, इवोल्यूशन में कोई रोल नहीं है। अब इसका अपोजिट होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब क्या होगा, मियोसिस उसमें होगा, मियोसिस उसमें होगा, वेरिएशन भी होगा और इवोल्यूशन में रोल भी प्ले करेगा। जस्ट अपोजिट हो गया। फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स, क्लोन्स कहते किसको है, क्लोन्स कहते किसको है, क्लोन्स कहते हैं मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू पैरेंट ऑर्गेनिज्म। पैरेंट के जैसा ही दिखेगा उसको क्लोन्स बोलेंगे, मॉर्फोलॉजिकली भी, मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी अगर सिमिलर है तभी उसको क्लोन्स बोल सकते हैं। और क्लोन्स जो है ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है, क्लोन्स जो है ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनता है। अब यहाँ पे क्लोन्स का फॉर्मेशन हुआ तो जस्ट इसका अपोजिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी इन शॉर्ट ड्यूरेशन, कम समय में जो है ना काफी ज्यादा प्रोजेनी फॉर्म करता है। तो इसका अपोजिट सेक्सुअल में क्या बोलेंगे, काफी कम प्रोजेनी जो है ना फॉर्म होगा, काफी कम प्रोजेनी फॉर्म होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है ना यहाँ पे सिंगल पेरेंट है, सेक्सुअल में बाय पेरेंटल होगा, इसमें गैमीट में और मे नॉट बी फॉर्म। सेक्सुअल में जो है ना गैमीट बनेगा ही बनेगा, गैमेटिक फ्यूजन नेवर आकर, ये असेक्सुअल का है तो सेक्सुअल में गैमेटिक फ्यूजन होगा ही होगा। सिंपल एंड फास्टर प्रोसेस होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना कॉम्प्लेक्स एंड स्लोअर प्रोसेस होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस नहीं हो रहा है, वेरिएशन नहीं हो रहा है, कोई रोल ही नहीं है इवोल्यूशन में, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस भी होगा, वेरिएशन भी होगा और इवोल्यूशन में रोल भी प्ले करेगा। फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स, क्लोन्स का फॉर्मेशन हो रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी इन शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, कम समय में काफी ज्यादा जो है ना प्रोजेनी को फॉर्म कर लेता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे एग्जांपल है प्लास्मोडियम का, प्लास्मोडियम का है एक एक इंटरकोर्स में जो है ना ये अप्रोक्स 1000 बोल सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ न्यू प्लास्मोडियम को फॉर्म करता है। क्लोन्स कहते हैं किसको है, मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर होगा पेरेंट के जैसा ही, उसी को क्लोन्स बोलते हैं। अब यहाँ पे है अकरेंस, अकरेंस ये दिया हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, सॉरी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये दिया हुआ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में होता है, जैसे एग्जाम्पल है मोनेरा, एग्जाम्पल है मोनेरा प्रोटिस्टा, ये सब जो है ना सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें जो है ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और भी है जैसे प्लांट एंड एनिमल्स विथ सिंपल बॉडी, ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल बॉडी एक होता है कॉम्प्लेक्स बॉडी, एक होता है सिंपल बॉडी। तो सिंपल बॉडी में जो है ना प्लांट और एनिमल का जो सिंपल बॉडी वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। हायर प्लांट्स में भी होता है बट सारे हायर प्लांट्स में नहीं होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग पढ़ेंगे काफी हायर प्लांट्स हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है ना रिप्रोड्यूस करते हैं, और यहाँ पे जो है ना वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जो है हायर प्लांट्स का जिक्र करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो है ना नोट इन एनिमल ये भी लगा लीजिएगा, यानी हायर एनिमल्स में नहीं होता है, हायर एनिमल्स में जो है ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, हायर एनिमल्स में जो है ना सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रकार, सबसे पहला टाइप है फीजन। फीजन का मतलब क्या होता है, स्प्लाइट अप, स्प्लाइट अप। जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये जो है ना दो में डिवाइड हो गया,
अब ये जरूरी नहीं है कि दो ही में डिवाइड हो, तीन में भी हो सकता है, चार में भी हो सकता है, पांच में भी हो सकता है और थाउजेंड में भी हो सकता है। तो इसी को बोला जाता है फिजन, यानी एक से दो, चार, पांच, दस में जो है ना स्प्लाइट होना यानी डिवाइड होना, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है, स्प्लाइट अप। तो इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे दे सकते हैं, पैरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लाइट अप इंटू टू और मोर डॉटर न्यूक्लियाई, यानी दो या दो से ज्यादा डॉटर न्यूक्लियाई में जो है ना क्या हो जाए, स्प्लाइट अप हो जाए या डिवाइड हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, फिजन बोलते हैं। और फिजन जो है ना ये दो प्रकार का होता है, एक बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन। बाइनरी का मतलब होता है दो और फिजन का मतलब क्या होगा, स्प्लाइट अप। तो इसका इसमें जो है ना, इसमें जो है बाइनरी फिजन में जो है ना, इसमें जो है एक से दो में कन्वर्ट होगा, एक से दो में कन्वर्ट, यानी एक से जो है ना एक स्प्लाइट अप होगा और दो डॉटर न्यूक्लियाई बनेगा। दो डॉटर न्यूक्लियाई अगर बन रहा है तो बाइनरी हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी फिजन बोलेंगे। अब है मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन यानी काफी सारा उसमें आएगा, काफी सारा यानी दो से ज्यादा हो जाएगा, तीन, चार, दस, बीस, पचास, सौ, वन थाउजेंड भी हो सकता है, इसमें सारे के सारे जो है ना इसमें आ जाएंगे। दो है तो बाइनरी और दो से ज्यादा अगर आ रहा है तो मल्टीपल फिजन। और बाइनरी फिजन का एग्जांपल है अमीबा, पैरामीशियम, ये सब एग्जांपल आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में जो है ना पूछ लिया जाता है। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है प्लास्मोडियम, इनसिस्टेड अमीबा। इनसिस्टेड अमीबा कहने का क्या मतलब है, इनसिस्टेड अमीबा यानी अनफेवरेबल कंडीशन में जो है ना, वैसे तो अमीबा का शेप जो है ना इरेगुलर है, इरेगुलर शेप होता है, लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो ये जो है ना ये अपना शेप सर्कुलर कर लेता है और अपने चारों ओर सिस्ट बना लेता है। और ये तीन लेयर है, एक दो तीन, टोटल से जो है ना थ्री लेयर्स हैं, ये तीन लेयर मिलकर जो है ना, तीन लेयर मिलकर जो है ना क्या बना रहा, प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इसको इनसिस्टेशन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनसिस्टेशन। तो ये जो है ना अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा जो है, अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा मल्टीपल फिजन शो करता है। बाइनरी फिजन का टाइप्स भी है, सिंपल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसमें जो है ना एक से दो ही में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन किसी किसी में जो है ना इरेगुलर हो रहा है, किसी में लॉन्गिट्यूडिनली हो रहा है, किसी में ट्रांसवर्स हो रहा है, बस फर्क यही है। सिंपल बाइनरी फिजन को इरेगुलर बाइनरी फिजन भी बोलते हैं, इरेगुलर जो है ना अमीबा का शेप होता है। तो इसमें जो है ना अमीबा एग्जांपल आ जाएगा, ये यहाँ पे अमीबा का डायग्राम है, ये जो है ना ये पेरेंट है। अब जो है ना इसमें हुआ कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस कहने का मतलब क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस कहने का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन, न्यूक्लियस का डिवीजन को क्या बोलते हैं, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे इस प्रकार से हो रहा है यहाँ पे डिवीजन, अब यहाँ पे डिवीजन हुआ, उसके बाद जो है ना साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस कहने का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये है साइटोप्लाज्म, ये यहाँ पे इस प्रकार से डिवाइड कर रहा है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का यहाँ पे डिवीजन हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड किया, न्यूक्लियस डिवाइड कर लिया, उसके बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड कर लिया, इस प्रकार से एक पेरेंट से दो डॉटर न्यूक्लियाई बना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है, क्या पेरेंट ऑर्गेनिज्म बचा हुआ है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म नहीं बचा, पेरेंट ऑर्गेनिज्म कहाँ बचा, ये खुद दो में डिवाइड हो गया, यानी पेरेंट का जो आइडेंटिटी है ना वो लॉस्ट हो गया, पेरेंट का आइडेंटिटी क्या हुआ, लॉस्ट हो गया। अब यहाँ पे जो है ना उसके बाद है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन का एग्जांपल है युगलिना, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन का एग्जांपल है पैरामीशियम, ट्रांसवर्स का एग्जांपल क्या हो जाएगा, पैरामीशियम, टी
पी, टी से ट्रांसवर्स हो गया, पी से पैरामीसियम हो गया। इस प्रकार से जो है ना आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद सेकेंड टाइप है बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होता है? बड का फॉर्मेशन। बडिंग का मतलब क्या होता है? बड का फॉर्मेशन, बड का फॉर्मेशन। अब ये बाहर भी फॉर्म हो सकता है और बॉडी के इनसाइड में भी फॉर्म हो सकता है। बड जो है, बड का फॉर्मेशन या तो बॉडी में हो सकता है, बॉडी के इनसाइड में हो सकता है, या तो आउटसाइड में हो सकता है। अगर आउटसाइड में हुआ तो उसको बोलेंगे इक्सोजीनस बडिंग, और अगर बड जो है इनसाइड में फॉर्म हो रहा है यानी बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर अगर फॉर्म हुआ तो उसको बोलेंगे इंडोजीनस। इंडो का मतलब ही होता है इनसाइड, तो इंडो का मतलब इनसाइड, यानी बड का फॉर्मेशन इनसाइड में होगा। इक्सो यानी बाहर, यानी बड का फॉर्मेशन बाहर में होगा। बड का फॉर्मेशन बाहर में होता है, ये एग्जाम्पल है येस्ट, हाइड्रा। और इंडोजीनस का जो है ना, इंडोजीनस यानी बड फॉर्मड इनसाइड द बॉडी, बॉडी के इनसाइड में हो रहा है बड का फॉर्मेशन, ये एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला का। इंटरनल बड्स का फॉर्मेशन है जिसको जिम्यूल्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जिम्यूल्स बोलते हैं। तो इसको आप लोग नोट करिए। थर्ड टाइप यहाँ पे है स्पोरुलेशन। थर्ड टाइप है स्पोरुलेशन। स्पोरुलेशन का मतलब क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो इसमें जो है ना एक आएगा जूस्पोर, एक आएगा कोनिडिया। जूस्पोर और एक कोनिडियोस्पोर यहाँ पे कर लीजिएगा, कोनिडियोस्पोर, कोनिडियोस्पोर। जूस्पोर यानी ये जो है ना एनिमल्स रिलेटेड यहाँ पे आ रहा है, और ये जो है ना ये मोटाइल होता है। मोटाइल है तो फ्लैजिलेटेड भी होगा, मोटाइल है तो फ्लैजिलेटेड भी होगा, इसका मतलब इसमें फ्लैजिला होगा। फॉर्म्ड इनसाइड यानी बॉडी के अंदर बन रहा, बॉडी के अंदर बनता है, उसको क्या बोलते हैं? इंडोजीनस। अब ये मत समझ लीजिएगा कि ये जो है ना ये एग्जाम्पल बडिंग में भी आएगा, नहीं। बडिंग में बड का फॉर्मेशन होता है, इसमें बड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, इसमें स्पोर्स से रिलेटेड है। अगर बड का फॉर्मेशन बॉडी के इनसाइड में हो रहा है तब उसको बोल सकते हैं इंडोजीनस बडिंग, लेकिन यहाँ पे बडिंग नहीं है, यहाँ पे बड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो इसमें जो है ना बडिंग को जो है ना हम लोग नहीं लेंगे। और इसका एग्जांपल है एल्गी, जिसमें आएगा क्लैमिडोमोनस। क्लैमिडोमोनस ये है क्लैमिडोमोनस, इसमें है ये दो फ्लैजिला है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है। ये फेवरेबल कंडीशन में है, अनफेवरेबल कंडीशन में जो है ना ये सिस्ट बनाता है, और सिस्ट बनाकर जो है ना ये बॉडी के इनसाइड में जो है ना अपना काम करते रहता है, और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो सिस्ट जो है ना रप्चर हुआ, और यहाँ से जो है ना यहाँ पे जो है ना यहाँ से जो है ना क्लैमिडोमोनस जो है ना निकला। उसके बाद एग्जांपल है कोनिडियोस्पोर का, इसका जस्ट अपोजिट ये होगा, ये है मोटाइल तो नॉन मोटाइल होगा, यानी इसके पास फ्लैजिला नहीं है। मोटाइल है तो फ्लैजिला है, फ्लैजिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे नॉन मोटाइल है, मूव नहीं कर रहा है, मूवमेंट नहीं है, तो फ्लैजिला भी इसके पास नहीं है। फॉर्म्ड आउटसाइड, आउटसाइड के लिए क्या यूज किया जाता है? इक्सो यानी इक्सोजीनस, इसको क्या बोलेंगे? इक्सोजीनस बोलेंगे। इस प्रकार से डायग्राम है, पेनिसिलियम इसका एग्जांपल होगा, ये है स्टेरिगमाटा। यहाँ पे इस प्रकार से कुनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे कुनिडिया का फॉर्मेशन हो रहा है। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन भी अगर पूछा जाए, सबसे यंगेस्ट कुनिडिया जो है ना इसमें से कौन सा है? इस चेन में, इस चेन में, इस चेन में, इस चेन में सबसे यंगेस्ट कुनिडिया। अगर इस चेन में देखा जाए तो फॉर्म यहां पे हो रहा है, एक यहां पे बना, इस प्रकार से स्टेरिगमाटा है, यहां पे बना कुनिडिया। अब जो है ना एक और कुनिडिया बना, तो ये जो है ना ये ऊपर आ गया, यानी ये आ गया ऊपर, अब एक नया बना। इसके बाद जो है ना अगर और बना, तो ये जो है ना ये यहां से जो है ना यहां पे आ गया, और यहां वाला यहां आ गया, और यहां पे एक नया बना। यानी सबसे यंगेस्ट कुनिडिया जो है ना सबसे नीचे वाला होगा, इसमें सबसे नीचे ये है, तो ये है यंगेस्ट कुनिडिया, यंगेस्ट कुनिडिया है ये। अब इसमें देखा जाए तो इसमें ये हो जाएगा यंगेस्ट कुनिडिया, इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा, और इसमें ये हो जाएगा, तो ये है कुनिडियोस्पोर। उसके बाद है रीजेनरेशन। रीजेनरेशन यानी दोबारा से जेनरेट। रीजेनरेशन का मतलब क्या होगा? दोबारा से जेनरेट, यानी इसमें जो है ना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म का जो
बॉडी पार्ट है ना, वो बॉडी पार्ट से जो है ना नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा, यानी बॉडी पार्ट से जो है ना नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म करेगा, यानी दोबारा जनरेट होगा, उसको बोलेंगे रीजेनरेशन। इसका टाइप्स है मॉर्फोलैक्सिस और एपिमॉर्फोसिस। मॉर्फोलैक्सिस का एग्जांपल है प्लानेरिया एंड हाइड्रा। इसमें जो है ना मॉर्फोलैक्सिस में जो है ना, इसमें एक बॉडी पार्ट से जो है ना, एक बॉडी पार्ट से एक नया जो है ना ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, एक नया फॉर्म होगा, ये हो गया मॉर्फोलैक्सिस। उसके बाद है एपिमॉर्फोसिस। एपिमॉर्फोसिस एग्जांपल है टेल ऑफ लिजार्ड। लिजार्ड का जो पूंछ होता है ना वो कट जाता है, तो कटने के बाद जो है ना उस कट पोर्शन से जो है ना एक नया लिजार्ड फॉर्म नहीं होता है, बल्कि जो है ना ये जो टेल अगर जो है ना कटता है तो टेल ही जो है ना फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं एपिमॉर्फोसिस। एपिमॉर्फोसिस। उसके बाद है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में जो है ना, इसमें बॉडी पार्ट जो है ना फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होगा और उस फ्रेगमेंट से जो है ना नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, फ्रेगमेंट से नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। ये एग्जांपल है स्पायरोगायरा का, स्पायरोगायरा। उसके बाद है पार्थिनोजेनेसिस, जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है, यानी एग का फॉर्मेशन होगा, एग डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के एग का डेवलपमेंट होगा, यानी गैमीट का तो फॉर्मेशन हुआ लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन अगर इसमें हो जाता तो ये जो है ना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता, लेकिन ये जो है ना इसमें जो है इसमें गैमीट तो बन रहा है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। इसका एक इसका टाइप्स है अर्हिनोटोकी, थेलीटोकी, एम्फीटोकी। अर्हिनोटोकी यानी मेल हनी बीज एग्जाम्पल है, मेल से रिलेटेड होगा अर्हिनो। अर्हिनो का मतलब हो गया मेल, थेली थेली का मतलब हो गया फीमेल, तो इसमें फीमेल आएगा, फीमेल। इसमें मेल है, इसमें फीमेल है, और इसमें दोनों आएगा, इसमें दोनों आएगा। एफिड्स एग्जांपल है एम्फीटोकी। एम्फीटोकी में जो है ना मेल और फीमेल दोनों आएगा। अर्हिनोटोकी में सिर्फ और सिर्फ मेल, थेलीटोकी में सिर्फ और सिर्फ फीमेल, और एम्फीटोकी में दोनों। मेल हनी बीज कहने का मतलब है फीमेल इसमें नहीं आएगा, फीमेल नहीं आएगा। फीमेल डिप्लॉयड होता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोडक्शन करेगा, लेकिन मेल हनी बीज, अगर मेल हनी बीज का फॉर्मेशन होता है तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है ना रिप्रोडक्शन करेगा। उसके बाद लास्ट है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये दो प्रकार का है, एक नेचुरल होता है और एक आर्टिफिशियल होता है। यहाँ पे नेचुरल का ओवरव्यू दिया हुआ है, बाकी जो है ना आर्टिफिशियल जो है ना जस्ट करेंगे थोड़ी देर में। तो नेचुरल में जो है ना स्टीम लीव्स और रूट, इससे जो है ना वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। स्टीम लीव्स रूट ये जो है ना ये सोमैटिक पार्ट है, इसी से जो है ना, इसी से जो है इसमें जो है ना वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा, या तो नेचुरल हो या तो आर्टिफिशियल हो, सोमैटिक पार्ट। जितना भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा सब या तो स्टीम से होगा, या तो लीव से, या तो रूट से, और भी किसी पार्ट से नहीं हो सकता है, और किसी पार्ट से नहीं होगा। यहाँ पे जो है ना ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा फ्रॉम सोमैटिक पार्ट से, सोमैटिक पार्ट ऑफ पेरेंट से। तो यहाँ पे है क्या नेचुरल, यानी नेचुरली हो रहा है, नेचुरली हो रहा है। तो यहाँ पे स्टीम का एग्जांपल पहले देखते हैं। स्टीम में जो है ना टोटल से चार प्रकार का आएगा, एक होता है अंडरग्राउंड स्टीम, एक होता है सब एरियल स्टीम, एक होता है एरियल स्टीम, और एक होता है बल्बिल्स। अंडरग्राउंड में जो है ना, अंडरग्राउंड में आता है राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म, बल्ब। राइजोम का एग्जांपल है जिंजर, ट्यूबर का एग्जांपल है पोटैटो, कॉर्म का है कोलोकेशिया, और बल्ब का है ओनियन। सब एरियल स्टीम का एग्जांपल यहाँ पे आएगा रनर, स्टेलॉन, ऑफसेट, सकर। सकर का एग्जांपल है बनाना, मींस। ऑफसेट का एग्जांपल है इकोर्निया, पिस्तिया। इकोर्निया को जो है ना वाटर हाइसिंथ बोला जाता है, और पिस्तिया को वाटर लेटस बोला जाता है। इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल। एस्टोलोन का एग्जांपल है जैस्मिन, रनर का एग्जांपल है ग्रास। एरियल का एग्जांपल आ जाएगा सुगर केन, बल्बिल्स का एग्जांपल होगा एगेब। इसको सेंचुरी प्लांट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेंचुरी प्लांट बोलते हैं। उसके बाद है लीप्स। लीप्स का एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा ब्रायोफाइलम, कैलनकोय। रूट का एग्जाम्पल हो जाएगा स्वीट पोटैटो, दहलिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन में भी जो है ना सोमैटिक पार्ट का ही काम है, इसमें भी जो है ना सोमैटिक पार्ट का ही काम है। सोमैटिक पार्ट कहते किसको है, स्टीम, लीव्स और रूट, इसको कहते हैं सोमैटिक पार्ट। पैरेंट प्लांट से जो है ना सोमैटिक पार्ट डिटैच होता है और डिटैच होकर ग्रो करता है और नया प्लांट में फॉर्म होता है, इसी को बोला जाता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार का, एक नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल है। तो नेचुरल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और ये है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में जो है ना आता है कटिंग, लेयरिंग और एक आता है ग्राफ्टिंग। टोटल यहाँ पे तीन प्रकार है। कटिंग यानी किसी चीज को कट किया जाएगा। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हम लोग जो है ना प्लांट से ही रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो है ना प्लांट को ही कट किया जा रहा, प्लांट को कट किया गया। अब प्लांट जो है ना कट किया गया तो उसमें से जो है ना या तो स्टीम को कट किया जाएगा, या तो लिप्स को कट किया जाएगा, या तो रूट को कट किया जाएगा, और किसी चीज को कट नहीं किया जाएगा। अगर और किसी चीज को कट करते हैं तो उससे नया प्लांट नहीं बनेगा, क्योंकि सोमैटिक पार्ट से ही जो है ना नया प्लांट बनेगा। तो यहाँ पे जो है ना अगर स्टीम को लेते हैं, एक प्लांट है उसका स्टीम जो है ना हम लोग कट कर ले लिए, अब वो जो स्टीम है ना उसको जो है प्लांट किए, प्लांट कर दिए, तो क्या वो ग्रो करेगा? वो ग्रो पहले नहीं करेगा, क्योंकि उसमें रूट नहीं है। तो जब रूट नहीं है तो हमें जो है ना हमें रूट प्रोमोटिंग केमिकल्स यूज करना पड़ेगा। अगर लीव्स को कट करते हैं और उसको प्लांट करते हैं तो क्या इसमें जो है ना नया प्लांट फॉर्म होगा? इससे भी नहीं होगा, क्योंकि इसके पास भी रूट नहीं है। अब अगर हम रूट को कट करते हैं तो रूट को कट करते हैं, इसको प्लांट करते हैं, तो इससे प्लांट बन सकता है। इससे प्लांट क्यों बन सकता है? क्योंकि इसके पास रूट है, इसके पास रूट है, लेकिन स्टीम कटिंग, लिप्स कटिंग में जो है ना रूट नहीं है। तो रूट नहीं है तो हमें जो है ना केमिकल्स यूज करना पड़ेगा जिससे जो है ना रूट को प्रमोट किया जा सके। तो उसके लिए केमिकल है IAA, इसका फुल फॉर्म होता है इंडोल एसेटिक एसिड। IBA है इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड। NAN है नेप्थिलीन एसेटिक एसिड। इंडोल एसेटिक एसिड, इंडोल ब्यूटाइलिक एसिड और नेपेथिलीन एसेटिक एसिड, ये टोटल से तीन प्रोमोटिंग केमिकल्स हैं जो रूट को प्रोमोट करेगा, जो क्या करेगा, रूट को फॉर्म करेगा। उसके बाद यहाँ पे है लेयरिंग। लेयरिंग को जो है ना इसमें ट्रिक से याद रखेंगे। ट्रिक ये है मस्ती, एम से हो गया मॉन्ड लेयरिंग, ए से हो गया एयर लेयरिंग, एस से हो गया सरपेंटाइन लेयरिंग, टी आई से हो गया यहाँ पे टिप लेयरिंग, और एक टी से यहाँ पे हो गया ट्रेंच लेयरिंग। इस प्रकार से रिमेम्बर रख सकते हैं। टिप लेयरिंग का एग्जांपल यहाँ पे है ब्लैकबेरी, सरपेंटाइन लेयरिंग का एग्जांपल है पोथोस जिसको मनी प्लांट बोलते हैं, ट्रेंच लेयरिंग का एग्जांपल है वॉलनट, मॉन्ड लेयरिंग का एग्जांपल है एप्पल, और एयर का एग्जांपल है लेमन। अब है यहाँ पे ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में जो है ना ये एक प्लांट है, इसको जो है ना कट किया जाता है, एक और प्लांट है इसको कट किया जाता है, और यहां से जो है ना ये यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट है और यहाँ पे भी रूट है। अब जो है ना इसको कट किया गया, इसको कट किया गया, इसको कट किया, इसको कट किया, अब ये वाला जो है ना ये वाला को हटा दिया गया और ये वाला को यहाँ प्लांट कर दिया गया, यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ज्वाइन कर दिया गया। इस प्रकार से ग्राफ्टिंग होता है, इस प्रकार से क्या होता है, ग्राफ्टिंग होता है। और जिसके पास रूट रहेगा उसको स्टॉक बोलते हैं, उसको स्टॉक बोलते हैं, और जिसके पास रूट नहीं है उसको सियोन बोलते हैं। अब यहाँ पे जो है ना ये जो है यहाँ पे कट किया गया था, यहाँ पे ये प्लांट था, ये भी एक प्लांट था, अब इसको कट किया गया, इसको कट किया गया, तो ये जो है ना ये जो है ना ये काम का था और यहाँ पे ये काम का था, ये काम का नहीं था, ये काम का नहीं था, इसका मतलब ये दोनों इनफेरियर है और ये दोनों सुपेरियर है। तो यहाँ पे जो है ना ये भी प्लांट ग्रो नहीं कर रहा और ये भी प्लांट ग्रो नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि
ये वाला पोर्शन जो है ना ये यहाँ पे इनफेरियर है, यानी ये जो है ना पूरी तरह से जो है ना यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा था, और यहाँ पे जो है ना ये जो है ये पूरी तरह से वर्क नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे जो है ना दोनों जो है यहाँ पे प्लांट नहीं हो रहा था। तो इसके लिए जो है ना इसमें से जो डिफेक्टिव पोर्शन था इसको हटा दिया गया, और यहाँ का डिफेक्टिव पोर्शन हटा दिया गया, और इसको जो है ना फाइनली यहाँ पे जो है इसको अटैच कर दिया गया। यही है ग्राफ्टिंग, और इससे जो है ना ये प्लांट फिर से ग्रो करने लगा, इससे जो है प्लांट ग्रो करने लगा। अब यहाँ पे इसमें भी कुछ नेसेसरी है। नेसेसरी क्या? वैस्क्यूलर कैम्बियम का ज्वाइनिंग। अगर वैस्क्यूलर कैम्बियम का ज्वाइनिंग होगा, ये टिश्यू है काफी इंपॉर्टेंट है, वैस्क्यूलर कैम्बियम अगर ज्वाइन होगा तभी जो है ना ग्राफ्टिंग पॉसिबल है। अगर ये नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा तो ग्राफ्टिंग भी नहीं होगा। वैस्क्यूलर कैम्बियम ज्वाइन होगा तभी जो है ना ग्राफ्टिंग होगा। तो इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना वो समाप्त हो गया। अब यहाँ पे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं, सिंजिनेसिस भी बोलते हैं, और एम्फीगोनी भी बोलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे है फेजेस इन लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में जो है ना टोटल से तीन फेज आता है, जुबेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज। अगर प्लांट में बोला जाए तो प्लांट में जुबेनाइल फेज नहीं बल्कि वेजिटेटिव फेज होता है। प्लांट में वेजिटेटिव फेज और एनिमल में जुबेनाइल फेज, बाकी का सेम है। अब यहाँ पे जुबेनाइल फेज क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज क्या होता है, सेनेसेंट फेज क्या होता है। जुबेनाइल फेज जो है ना ये होता है बर्थ से लेकर के रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक। रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक का जो पीरियड होगा, जो फेज होगा, उसी को बोला जाता है जुबेनाइल फेज। और रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज में जो है ना ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ऑर्गेनिज्म जो है ना ऑफस्प्रिंग को रिप्रोड्यूस करता है, उस फेज को बोलेंगे रिप्रोडक्टिव फेज। उसके बाद लास्ट यहाँ पे है सेनेसेंट। सेनेसेंट में जो है ना जो बॉडी होता है वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं करता है, बॉडी नॉट वर्क प्रॉपरली, बॉडी जो है ना प्रॉपरली वर्क नहीं करता है, जिसके कारण डेथ भी हो जाता है। अब यहाँ पे है टू टाइप्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट जो है ना दो प्रकार का है। फ्लावरिंग प्लांट कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के। एक होता है मोनोकार्पिक और एक होता है पॉलीकार्पिक। पॉली यानी बहुत सारा, मोनो यानी एक। तो इसमें जो है ना फ्लावर एक ही बार होगा, पूरी लाइफ टाइम में फ्लावर एक बार होगा, पूरा लाइफ टाइम में जो है ना फ्लावर एक ही बार होगा, यानी रिप्रोडक्टिव फेज एक ही बार आएगा। अब एक बार आया तो यहाँ पे तो फेजेस के बीच में जो है ना डिस्टिंक्शन जो होता है, पहचान जो होता है वो क्लियरली होता है, तो क्लियर डिस्टिंक्शन होगा। पहले आया जुबेनाइल फेज, फिर आया रिप्रोडक्टिव फेज, फिर आया यहाँ पे सेनेसेंट फेज, उसके बाद फाइनली डेथ। इसका एग्जाम्पल है जितने एनुअल प्लांट हैं वो सब इसी में आएगा, जितने भी बाइनियल हैं सब इसी में आएगा, और कुछ कुछ पेरेनियल्स जो है ना वो इसी में आएगा। एनुअल्स का एग्जाम्पल है राइस, व्हीट। बाइनियल का है कैरोट, रेडिस। सम पेरेनियल्स भी हैं, बम्बूज स्पेसिस आता है जिसका नाम है बेम्ब्यूसा टुल्डा। अब है यहाँ पे पॉलीकार्पिक, यानी एक से ज्यादा, यानी ये फ्लावर होगा एक से ज्यादा बार, एक से ज्यादा बार फ्लावर होगा, नो क्लियर डिस्टिंक्शन। अब एक से ज्यादा बार फ्लावर होगा तो क्या फेजेस के बीच में जो है ना डिस्टिंक्शन होगा? नहीं होगा, नहीं पता ही नहीं चलेगा, वो अभी हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल इसमें है सारे पेरेनियल्स, मैंगो, एप्पल, ये सब एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल लेकर हम लोग देखते हैं, यहां पे लेते हैं राइस का। राइस का एग्जाम्पल है, ठीक है, ये जो है ना ये काफी छोटा था तो वहां से ग्रो करना स्टार्ट किया। अब ये ग्रो करने लगा तो ग्रो कर रहा है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक, बर्थ से लेकर के रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक, इसको बोला जाएगा जुबेनाइल फेज। यहाँ पे तो साफ पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो है ना पहले छोटा था, छोटा से धीरे धीरे जो है ना बड़ा हुआ, तो बड़ा हुआ तो यहाँ पे क्लियर डिस्टिंक्शन हो रहा है, यहाँ पे क्लियर डिस्टिंक्शन हो रहा है, तो क्लियर डिस्टिंक्शन हो गया जुबेनाइल फेज में। अब इसके बाद जो है ना रिप्रोडक्टिव एज में आता है, यहां से जो है ना रिप्रोड्यूस करने लगता है, यानी इसमें दाना निकलने लगता है, तो जब दाना निकलने लगेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव फेज बोलेंगे। तो
तो यहाँ पे ये भी पता चल गया, अब पूरा जो है ना ये ग्रो कर लिया, दाना जो निकला वो पूरा ग्रो कर लिया। अब ग्रो किया तो उसको जो है ना काट दिया जाता है, यानी उसका डेथ हो जाएगा, सेनेसेंट फेज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लियर डिस्टिंक्शन हो रहा है फेजेस के बीच में, और एक ही बार यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया। अब एग्जाम्पल लेते हैं मैंगो का, मैंगो का एग्जाम्पल है, पहले तो छोटा था, छोटा से बड़ा हुआ, यहां तक तो पता चला, जुबिनाइल फेज पता चला। अब यहाँ पे इसमें जो है ना आम आने लगा, यानी प्लांट आने लगा, फ्लावर होने लगा। तो यहाँ पे एक और फ्लावर हुआ, अब जो है ना सारे आम को जो है ना पेड़ से जो है कट कर लिया गया। अब उसके बाद कुछ समय तक लगता है कि जुबिनाइल फेज जैसा, क्योंकि उसमें कोई भी फ्लावर नहीं है, तो जुबिनाइल फेज के जैसा लगता है। तो क्या उसके बाद जुबिनाइल फेज आएगा? जुबिनाइल फेज नहीं आएगा, क्योंकि ये तो पहले ही आ चुका है, बर्थ से लेकर के रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक को ही जुबिनाइल फेज कहते हैं। यहाँ पे तो रिप्रोडक्टिव फेज भी आ चुका है, उसके बाद जुबिनाइल फेज नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब जुबिनाइल फेज यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि जुबिनाइल फेज होगा या रिप्रोडक्टिव फेज होगा। वैसे इसको इंटर फ्लावरिंग पीरियड बोलते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज जो है ना ये फर्स्ट हो गया, और रिप्रोडक्टिव फेज उसके बाद सेकेंड आएगा, और ये जो बीच का गैप हो गया उसको इंटर फ्लावरिंग पीरियड बोलते हैं, इंटर फ्लावरिंग पीरियड बोलते हैं। अब रिप्रोडक्टिव टू आया, यानी दोबारा यहाँ पे जो है ना फिर से प्लांट आया, यानी फ्लावरिंग हुआ, उसके बाद फिर से ये रिमूव हुआ, सारे जो है ना आम को हटा दिया गया, उसके बाद जो है ना फिर वैसा ही लगता है कि जुबेनाइल फेज है। तो वहां पे भी जो है ना इसको भी वही बोलेंगे, इंटर फ्लावरिंग पीरियड ही बोलेंगे। उसके बाद आएगा रिप्रोडक्टिव थ्री, यानी तीसरा आया। तो तीसरा आया तो यहाँ पे जो है ना एक से ज्यादा बार रिप्रोड्यूस कर रहा, तो इसको पॉलीकार्पिक बोल सकते हैं। और यहाँ पे क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा कौन जुबेनाइल फेज है कौन रिप्रोडक्टिव फेज है। यहाँ पे लग रहा है कि जुबेनाइल फेज ही जैसा, यहाँ पे भी लगेगा जुबेनाइल फेज के ही जैसा, बट जुबेनाइल फेज होगा ही नहीं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव फेज आ चुका है, तो जुबेनाइल फेज जो है ना नहीं आ सकता है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पे नोट में देख लीजिएगा, अस्ट्रोबिलैंथस कुंतियाना, जिसको नीला कुरंजी बोलते हैं, ये जो है ना ये हर 12 साल पे फ्लावर होता है, और ये जो है ना ये मास फ्लावर शो करता है, विजिटर को अट्रैक्ट करता है। ये जो है ना ये केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में मिलता है, अस्ट्रोबिलैंथस कुंतियाना, इसको नीला कुरंजी बोलते हैं, और हर 12 साल पे फ्लावर होता है, यानी ये भी पॉलीकार्पिक ही होगा, क्योंकि हर 12 साल पे जो है ना फ्लावर हो रहा है। इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें जो है ना टोटल से तीन इवेंट आता है। सबसे पहले आएगा प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बाद आएगा फर्टिलाइजेशन, उसके बाद आएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के पहले का काम, उसके बाद आएगा फर्टिलाइजेशन, उसके बाद है पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन के पहले बोलना है तो प्री वर्ड यूज होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन के बाद बोलना है तो पोस्ट वर्ड यूज होगा। तो फर्टिलाइजेशन के पहले होता है गैमिटोजिनेसिस, यानी गैमीट का फॉर्मेशन, यानी गैमीट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे जो है ना गैमिटोजिनेसिस में जो है ना इसमें होगा प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। उसके बाद गैमीट बना, अब होता है गैमीट का ट्रांसफर, गैमीट का ट्रांसफर होता है। तो गैमिटोजिनेसिस जो है ना टोटल से दो प्रकार का है, एक है होमोगैमीट और एक होता है हेट्रोगैमीट। होमोगैमीट को आइसोगैमीट भी बोलते हैं। होमो का मतलब होता है सेम, होमो के मतलब क्या होता है सेम, यानी एक ही जैसा गैमीट होगा, यानी मेल और फीमेल दोनों में एक ही प्रकार का गैमीट होगा। यहाँ पे ये देखिए, ये एक है फीमेल गैमीट और एक है मेल गैमीट, दोनों यहाँ पे एक जैसा है। तो क्या डिस्टिंगाइज कर सकते हैं कौन इसमें से मेल है कौन फीमेल है? नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं इसमें। और ये एग्जाम्पल है क्लैडोफोरा, ये एल्गी है, क्लैडोफोरा हेट्रोगैमीट। हेट्रोगैमीट यानी एक जैसा गैमीट नहीं होगा, ये है फीमेल का और ये है मेल का। ये एग्जाम्पल है फ्यूकस का, यहाँ पे क्लियर डिस्टिंक्शन है, इसमें जो है ना इसमें डिस्टिंक्शन नहीं होगा, कांट डिस्टिंगाइज, इसमें डिस्टिंगाइज नहीं किया जा सकता है, बट इसमें जो है ना डिस्टिंगाइज किया जा सकता है, इसमें बताया जा सकता है कौन मेल गैमीट है कौन फीमेल गैमीट है, यहाँ पे बता सकते हैं। गैमीट का ट्रांसफर होगा,
गैमिट बना मेल में बना मेल गैमिट, मेल में बना मेल गैमिट, उसके बाद फीमेल में बना फीमेल गैमिट, फीमेल में बना फीमेल गैमिट। अब जो है ना ये मेल गैमिट फीमेल के पास जाएगा, अब ये जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, गैमिट का ट्रांसफर हो रहा है, तो गैमिट का ट्रांसफर हो चुका, अब ये मेल गैमिट फीमेल के पास आ चुका है। कंप्लीट डिटेल में, डिटेल जो है ना ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद होगा फर्टिलाइजेशन, अब यहाँ पे मेल गैमिट जो है ना फीमेल के पास आ चुका है, उसके बाद होगा फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन को सिनगैमी भी बोलते हैं। अब फर्टिलाइजेशन भी दो प्रकार का होता है, एक एक्सटर्नल यानी बाहर होगा, इंटरनल यानी अंदर होगा, यानी बॉडी के अंदर इंटरनल, बॉडी के बाहर एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रॉग, इंटरनल का हो जाएगा एग्जाम्पल ह्यूमन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग में होगा, फ्रॉग में यानी कि आउटसाइड में हो रहा है, आउटसाइड में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इंटरनल में इनसाइड में हो रहा है। अब यहां पे फर्टिलाइजेशन हो चुका, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जायगोट का फॉर्मेशन होगा और ये डिप्लॉयड हो गया। ये क्या हो गया, डिप्लॉयड हो गया। डिप्लॉयड कैसे हुआ, मेल गैमिट ये होता है हैप्लॉयड, मेल गैमिट है हैप्लॉयड, फीमेल गैमिट भी है हैप्लॉयड, ये दोनों कंबाइन किया, यानी ये है एन, ये है एन, एन एन के साथ कंबाइन किया, बना लिया टू एन, और यही है जायगोट, ये है जायगोट, यानी जायगोट डिप्लॉयड होगा और गैमिट हैप्लॉयड होता है, गैमिट हैप्लॉयड जायगोट डिप्लॉयड होगा, तो जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब जायगोट का फॉर्मेशन हो चुका, अब इसमें जो है ना इम्ब्रियोजिनेसिस होगा, उसके बाद इम्ब्रियोजिनेसिस यानी इम्ब्रियो का फॉर्मेशन। इम्ब्रियो को जो है ना प्रोजिनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन भी बोलते हैं, प्रोजिनेटर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन जो है इम्ब्रियो को बोलते हैं। इम्ब्रियोजिनेसिस में होगा सेल का डिविजन, उसके बाद होगा सेल का डिफ्रेंसिएशन, सेल डिविजन सेल डिफ्रेंसिएशन होगा इसमें, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। एक यहाँ पे और नोट में लिखिएगा, ओवी पैरस कहते हैं किसको है, वीवी पैरस किसको कहते हैं, और ओवोवीवी पैरस किसको कहते हैं। ओवी पैरस, ओवी पैरस में जो है ना ले एग अंडा देता है, जैसे एग्जांपल रेप्टाइल और बर्ड, इसमें न्यूट्रिशन योल्क से मिलेगा, न्यूट्रिशन फ्रॉम योल्क, योल्क से इसमें न्यूट्रिशन मिलेगा। अब है यहाँ पे वीवी पैरस, वीवी पैरस में जो है ना ये होगा गिव बर्थ टू प्रोजेनी, प्रोजेनी को बर्थ दिया जाता है, और इसमें न्यूट्रिशन प्लेसेंटा से मिलेगा, कहां से मिलेगा, प्लेसेंटा से मिलेगा। एग्जांपल है ह्यूमन वेल्स डॉल्फिन, ओवो वीवी पैरस, ओवो वीवी पैरस यानी दोनों को कंबाइन किया गया है, कंबाइन किया गया तो इसमें भी बर्थ देगा प्रोजेनी को ही, यंग वन को ही बर्थ दे रहा है, लेकिन न्यूट्रिशन योल्क से मिलेगा, न्यूट्रिशन कहां से मिलेगा, योल्क से मिलेगा। एग्जाम्पल है मार्सुपियल जिसको कंगारू बोलते हैं, स्कॉर्पियन, ये सब एग्जाम्पल्स में आएगा, इसको नोट कर लीजिए। ये एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म है, क्रोमोसोम नंबर इन ए मियोसाइट्स और क्रोमोसोम नंबर इन ए गैमीट, गैमीट का दुगना मियोसाइट्स होता है, यानी ये अगर 10 है तो ये 20 होगा, अगर ये 30 है तो ये 15 होगा, इस प्रकार से होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए, सबसे ज्यादा क्रोमोसोम नंबर इन ए मियोसाइट, तो यहाँ पे आंसर होगा 1260, और अगर सबसे छोटा अगर पूछा जाएगा तो सबसे छोटा यहाँ पे होगा 8। अब 8 कौन है, 8 है फ्रूट फ्लाई और ओफियोग्लोसम है 1260, तो यहाँ पे जो है ना सबसे स्मॉलेस्ट पूछा तो आंसर होगा फ्रूट फ्लाई, और सबसे लार्जेस्ट पूछा, सबसे ज्यादा पूछा तो आंसर यहाँ पे होगा 1260, और अगर गैमिट में पूछा था जस्ट इसका हाफ यहाँ पे हो जाएगा, 1260 का आधा होता है 630, 34 का आधा होता है 17, 24 का आधा होता है 12, इस प्रकार से होगा, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। फ्लावर दो प्रकार का होता है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है और एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। बाइसेक्सुअल को हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर में जो है ना मेल गैमिट और फीमेल गैमिट एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होगा और एक ही प्लांट में, यानी एक प्लांट है। अब एक प्लांट में काफी सारे फ्लावर होते हैं, तो हर एक फ्लावर में मेल गैमिट और फीमेल गैमिट प्रेजेंट होगा,
उसको बोला जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक ही फ्लावर में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट प्रेजेंट होगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर दो प्रकार का होता है, इसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट दूसरे फ्लावर पे प्रेजेंट होगा, यानी डिफरेंट फ्लावर पे प्रेजेंट होगा। इसमें दो प्रकार का आता है, मोनोइसियस और डायोइसियस। मोनोइसियस यानी ये जो है ना मेल गैमीट और फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है डिफरेंट फ्लावर पे, बट एक ही प्लांट में। जैसे एक प्लांट है, ये काफी सारे फ्लावर है, तो एक में यहाँ पे है सपोज मेल गैमीट और यहाँ पे है फीमेल गैमीट, ये है तो डिफरेंट फ्लावर और है एक ही प्लांट पे। तो डिफरेंट फ्लावर सेम प्लांट उसको बोलेंगे मोनोइसियस। एग्जांपल है कोकोनट कुकुरबिता। डायोइसियस, डायोइसियस में जो है ना इसमें मेल गैमीट फीमेल गैमीट अलग फ्लावर पे तो है ही, साथ में अलग प्लांट पे है। जैसे ये एक प्लांट है, इसमें काफी सारे फ्लावर है, एक और प्लांट है इसमें भी काफी सारे फ्लावर है, इसमें है मेल गैमीट और इसमें है फीमेल गैमीट, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डायोइसियस और इसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोला जाता है। एग्जांपल है पपाया, डेट पॉम। हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है अर्थबॉम, लीच, स्नेल, हॉर्स फ्लाई। काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बिहार बोर्ड में जो है ना ये पूछा गया है। और इसी के साथ जो है ना चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।